भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद, हिमाचल का दौरा खत्म करने के बाद मैं अब आज कैनॉट प्लेस में मौजूद हूं। दो तीन दिन यहां, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन या चार दिन, उसके बाद फिर अहमदाबाद की ओर रुक, गुजरात में अपना पड़ाव अगला, और वहां पे तमाम सारे शो, तमाम सारे लोगों से बातचीत का सिलसिला। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप हमसे? जी, आज यहां पे कैनॉट प्लेस में मौजूद हूं, पॉल्यूशन से व्यवस्था हो चुका हूं, बराबर होता रहता हूं, लेकिन बातचीत के सिलसिले को आज चुनाव की तरफ मोड़ रहा हूं। जो सिलसिला, एक मिनट, चुनाव का जो सिलसिला है मैं उसी तरफ रुक कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, उससे पहले केजरीवाल जी ने रोड शो में कहा कि मुझे गुजरात का बेहद प्यार मिल रहा है और मैं गुजरात का बेटा और भाई हो गया हूं। लगता है कि मैं गुजरात का बेटा हूं या भाई हूं। और उधर मैं आ रहा हूं जवाब लेने आ रहा हूं। और उधर प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब बातचीत में जब वो संबोधित कर रहे थे, कि ये गुजरात हम ही ने बनाया है। अब सवाल ये है कि एक तरफ बेटा भाई, एक तरफ गुजरात, हम ही ने बनाया है। युद्ध बड़ा लंबा है, एक ने तो घड़ी लगा दी है, कहा कांग्रेस ने कि आग तक इंतजार करिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हम ही आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है विस्फोट होने वाला है इन चुनावी समीकरण के बीच में। पहली बात, आम आदमी पार्टी देन बीजेपी देन कांग्रेस। देखिए, गुजरात को गुजरात के 6 करोड़ लोगों ने बनाया है और गुजरात के 6 करोड़ लोग तो अरविंद केजरीवाल भाई कहां से हो गए और बेटा कहां से हो गए? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से प्यार, समर्थन, आशीर्वाद गुजरात के लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हो उनके रोड शो में, भगवंत मान के रोड शो में लोग उमड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग तो आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में करे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने गरीब के बच्चे की शिक्षा का व्यवस्था करी, गरीब के बुजुर्ग के इलाज की व्यवस्था करी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV लगाए, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, दिल्ली के मॉडल देखा लोगों ने, पंजाब का देखा, अब गुजरात के लोगों की उम्मीद अरविंद केजरीवाल है और गुजरात के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। राइट जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने और प्रतीक जी कभी ये बेटा बोलते हैं, कभी भाई बोलते हैं, और भाई और बेटा बोल बोल के सबको ठगने का काम किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और हाँ, मैंने गुजरात बनाया है, वहां का हर गुजराती बोल रहा है, कर्फ्यू मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शांतिपूर्ण और समृद्ध गुजरात बनाने का काम किया। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर हर घर नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां 87% की जगह 2% ड्रॉप आउट हो गया। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां वाइब्रेंट मॉडल के माध्यम से निवेश बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर विद्यार्थियों को कॉलेज मिल रहे हैं, मेडिकल सीटें मिल रही है। हाँ, हमने गुजरात बनाया है जहां पर भ्रष्टाचार का नामो निशान। गजब है मोहम्मद रफी, अता बड़ा तुमको रोकना और गोली और बंदूक की गोली रोकना पड़ा। कली पुल टूटा है और भी मैं कली पुल टूटा ये ढल कहाँ? अरे अभी तो टूटा, 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन में एक दिन होता है। और ये कहते हैं बच्चों ने तोड़ दिया, अरे झाड़ू का तिनका बच्चों ने तोड़ दिया। देखिए ये कहते हैं बच्चों ने तोड़ दिया, क्या कहते हैं ये? देखिए ना, ये इनका फैसला। देखिए प्रतीक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सत्य कहा था कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके परिश्रम से, उनके खून और पसीने से गुजरात बना है। गुजरात कांग्रेस के राज में क्या था? कांग्रेस के राज में गुजरात था कर्फ्यू वाला गुजरात, दंगे वाला गुजरात, बेरोजगारी वाला गुजरात। आज गुजरात क्या है? वाइब्रेंट गुजरात है, सबसे कम बेरोजगारी दर गुजरात में है, सबसे ज्यादा औद्योगिक निवेश गुजरात में। और ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, मैं इनको बोलना चाहता हूँ, ये हर जगह बाप भाई बेटा बन जाते हैं। आदमपुर में भी पहुंच गए थे कि मेरी बहन यहाँ पर है, मेरा बहनों ही है, भतीजा है, भाई है, वहां पर जमानत। गजब है भाई, गजब। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? इनका सक्षम है? सक्षम, बहुत बहुत आशीर्वाद सक्षम जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? विष्णु गार्डन से, दिल्ली से। विष्णु गार्डन दिल्ली में ही है, तो इधर आई, रुक गई, इधर डिबेट देखने लगी। टाइम वेस्ट कर रही हैं आप? नहीं नहीं सर,
कोई टाइम वेस्ट नहीं, आपको ही देखना ही हूँ। कह रहे मैंने कहा कि इतनी देर, मैं कहता हूँ तुम लोग भी कहते हो क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 23 साल। 23 साल, 27 साल से तो मुझे टीवी करते हो गया, तुम्हारी उम्र के बराबर हो तो। क्या बात नहीं कि अभी मुझो में ताव देने का वक्त है जी। तो कैसी, क्या करती हैं आप काम? हाउसवाइफ। दुनिया का सबसे कीमती और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा नंबर वन वाला काम यही है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान। अगर वो ना हो तो ये सब जो जबान लपलपाती है ना हमारी, वो हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। ये वो हैं जो घर में रोटी का इंतजाम, बच्चों के स्कूल का बस्ता। आप कहो जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर। अभी तो घुटने ठीक ही हैं? नहीं, कम ठीक है। तभी तो कहाँ खड़े हैं वो? ये भैया इलाहाबाद से आए आपसे मिलने के लिए। भैया इलाहाबाद से आए हैं? कहाँ भैया, आओ इलाहाबाद वाले। कौन भैया, कौन भैया? इतनी जोर मारेंगे दोनों कान एक ही तरफ लग जाएगा। कौन भैया है ये? हाँ, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम ज्वेलरी का, ज्वेलरी शॉप है। कहाँ की शॉप है? ज्वेलरी। मसाला कम खाओ तो ज्वेलरी निकलेगा। ये जो मसाला खा के जबान मोटी कर ली ना, तो मुंह से जो काम करते हो वो भी नहीं निकल रहा। काहे का काम करते हो? ज्वेलरी की। हाँ, ज्वेलरी शॉप है। विमल का कमाल। काहे का कमाल है? विमल का। हाँ, और मसाला खा लो जहर। भाई हैं आपके? इनको, इनसे कहिए मसाला कम खाएं। अभी खाया है? अभी नहीं, कभी ना खाएं। बिल्कुल नहीं खाएं। आपका आपका शासन कमजोर है। हाँ, उधर कान पकड़िए करके। मसाला सला ठीक नहीं है। मैं आया, आइए एक मिनट, मैं आ रहा बेटा, आ रहा हूँ। लट भी लट भी लट भी लट भी